तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि ब्रेकअप के बाद नींद नहीं आती, ब्रेकअप के बाद भूख नहीं लगती, तो एक तो ये डिप्रेशन जैसा फील क्यों हो रहा है, लाइक भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना एंड बहुत ज़्यादा पेन होना, ये होता क्यों है। दूसरी चीज़, इन चीज़ों से बाहर कैसे निकले। देखो, जब कभी हमारे साथ कोई भी ब्रेकअप हो या कोई भी ऐसी घटना होती है जिसको हमारा माइंड ना आसानी से नहीं समझ सकता, हालांकि हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा पावर भी होती है, लेकिन कई लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कहीं अलग अलग ऐसी चीज़ें होती है कि उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई ये चीज़ें क्यों हुए। इन शॉर्ट में कहूँ तो जितने लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होंगे ना, उनको ये दिक्कत ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो घटना को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है कि ये पर्सन ऐसा कर ही नहीं सकता। इतना अटल विश्वास होने के कारण उसके बाद भी वो व्यक्ति ऐसा करता है तो हमारा माइंड इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि माइंड का पूरा फोकस उस घटना को, उस चीज़ को समझने के लिए ना बार बार प्रयत्न करता है, समझ रहे हो। आपको ऐसे भेजे में दर्द भी होगा, जो लोगों को पेन होता है, डिप्रेशन होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा पेन होता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बहुत जोर लगा रहा है फिर भी उस चीज़ को एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा है। तो आपके माइंड का जो पूरा पूरा फोकस होगा ना एक ही बात पे, चलते उठते बैठते 24 आवर्स वहीं पर फोकस रहेगा, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है उस चीज़ में कि आपका जो शरीर होता है वो सब कुछ भूल जाता है, भूख नींद कुछ याद ही नहीं रहता, आपकी पूरी साइकिल ख़राब हो जाती है। प्लीज़ इसे डिप्रेशन मत मानिए। मैं आपको एक मेरा एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरा एक ऐसा ब्रेकअप था जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पेन में था, बहुत ज़्यादा दर्द में था, उसी चीज़ को मतलब बार बार सोचता रहा। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरी इस तकलीफ को नहीं देखता था और वो मतलब मुझको डांटता था। तो एक बार वो मेरे साथ में बैठा था, सिगरेट पी रहा था, तो गुस्से में वो मुझे डांटता मेरे पैर में उसने सिगरेट चुबा दी, मतलब बुझा दी एकदम से। और तभी भी मुझे वो पेन, वो दर्द तभी उस टाइम पे फील नहीं हुआ जब मेरा ध्यान गया कि उसका हाथ वहाँ पर है। जब मैंने वो घाव देखा उसके बाद मैं उस पेन को सेंस कर पाया, मतलब तब तक मेरा बॉडी वो समझ ही नहीं पा रहा था कि तुम्हारे पैर के हिस्से में कुछ हो भी रहा है, लाइक इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है। एक और चीज़ जो आपने सुनी होगी, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा किसी ऐसी जगह पर चला गया, कोई इंसान ऐसी जगह पर चला गया, लोग कहते हैं कि उसने कुछ देख लिया और उसके बाद वो पागल हो गया, कई लोगों की मौत भी हो जाती है। एंड इसके बारे में कहा जाता है कि भूत प्रेत का कोई साया उसके ऊपर आ गया। एक्चुअल में कहीं कुदरती ऐसी घटनाएं बनती है, ठीक है, जिसको ना गलती से हमारे सामने हो जाती है या इंसान को इसको देख लेता है, पर हमारे माइंड की ना उसको समझने की कैपेसिटी नहीं होती, समझ रहे हो, उनको हम सहन नहीं कर पाते इंसान। और ऐसी घटना देखने के बाद वो इंसान पागल हो सकता है, कई बार वो सदमे में मौत भी उसकी हो सकती है, क्योंकि उसके माइंड को कोई आइडिया ही नहीं आएगा। शायद प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, पर ऐसी चीज़ें होती है। एंड इंडिया से बाहर मतलब फॉरेन्स में ज़्यादा, यानी कि आप ऐसे कह लो कि ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, समझ रहे हो, उस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं। इसके अलावा एक भी एक ऐसा एग्जांपल है जो आपने नॉर्मली समाज में देखा होता है कि किसी के स्वजन की मृत्यु हो जाती है, तो कई बार आप देखते हो कि कोई इंसान ना रो नहीं रहा है, एक्चुअल में वो चाहता है रोना फिर भी वो रो नहीं पा रहा है। आप देखो क्यों, क्योंकि अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो, किसी बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो आप कभी भी उस इंसान की डेथ के बारे में सपने में भी नहीं सोचते, पर वो चीज़ें हुई है, वो चीज़ें रियल हुई है, तो उनका माइंड ना वो बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो रो ही नहीं पाएगा, उसका माइंड जस्ट फोकस करेगा कि रियल में हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उन चीज़ों को समझने के लिए वो कोशिश कर रहा होगा। और इससे जब आपका माइंड बहुत कोशिश करता है एंड कुछ समझ भी नहीं पा रहा है, तब आपको भेजे में दर्द होगा और वो दर्द आप लिटरली फील कर पाओगे। तो जो ये सारी प्रॉब्लम है ना आपके माइंड की, इस प्रॉब्लम के कारण हो रही है, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। और एक इंसान होने के नाते मुझे आपको ये बताना चाहे कि देखो, इन चीज़ों से ना भागना है ना डरना है, बस आपको मुकाबला करना है। हम इन चीज़ों से जीत सकते हैं, हम इन पेन के ऊपर अपना विजय पा सकते हो। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत समझिएगा कि आपके साथ कुछ बहुत भयंकर हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं। सबसे पहले तो टेम्प्रेरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे एंड परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन हमारे पास है,
तो मैं क्यों आपको टेम्प्ररी सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। परमानेंट सॉल्यूशन बहुत जल्दी से फास्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते और वो परमानेंट इतना जल्दी होगा भी नहीं, पर हाँ टेम्प्ररी सॉल्यूशन है वो आपको ना मतलब एक दिन में और बहुत जल्दी से उनका रिजल्ट दे सकता है। हाँ, पेन से बचने के लिए टेम्प्ररी सॉल्यूशन ये है कि आप एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखो, क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा कि आप कितने भी पेन में हो, दर्द में हो, पीड़ा में हो, पर आप कुछ कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो या कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़, तब आप ना उस कहानी में खो जाते हो, उस एंटरटेनमेंट की चीज़ों को खो जाते हो। और एंटरटेनमेंट हमें कोई खुशी नहीं देती, वो सिर्फ हमारे दर्द को भुला देती है, तो उतने टाइम हम बड़ा ही रिलैक्स फील करते हो। और ये थोड़ा सा ज़रूरी है भी, आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा बोझ ना आए, ज़्यादा प्रेशर फील ना हो, इसके लिए मैं आपको ज़रूर से एडवाइस देता हूँ कि आप टेम्प्रेरी पेन को निकालने के लिए ये चीज़ें ज़रूर से यूज़ करें। पर माइंड में आपको परमानेंट सॉल्यूशन रखना है। परमानेंट सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, इस पेन से एकदम से छुटकारा आपको कब मिलेगा, उसके लिए चीज़ है कि वो आपको तब मिलेगा जब आपकी लाइफ में फिर से हैप्पीनेस का कोई सोर्स बने और आपकी लाइफ में आपको खुद के लिए ना वापस वो कॉन्फिडेंस फील हो। और उनका ना आसान सा तरीका है, लाइफ में आप गोल बनाओ, लाइफ में कोई टारगेट बनाओ और उनको अचीव करने के लिए मेहनत करो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन है। तो ये जल्दी से नहीं होता, तो क्या होगा कि जब आप किसी चीज़ को करने के लिए मेहनत करोगे, उसमें रिजल्ट मिलेगा, तो खुद के ऊपर विश्वास आएगा और वो उस रिजल्ट से आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो लाइक आप देखते हो कि ब्रेकअप के बाद जब इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करता है, कुछ अचीव करता है, उसके बाद उनके लिए वो पेन बहुत छोटा बन जाता है। ज़्यादातर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि उसके पास अब एक हैप्पीनेस का सोर्स है, कुछ कर रहा है, कुछ बन रहा है, दूसरी चीज़ उसने किया है, तो उसके लिए उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसमें हमारी समझदारी यही है कि हम टेम्प्ररी सॉल्यूशन का भी साथ लेंगे और परमानेंट सॉल्यूशन का भी साथ लेंगे, दोनों चीज़ें दोनों टाइम पे हमारे लिए ज़रूरी है। पर हाँ, आपको पेशेंस रखना होगा, धीरज रखनी होगी, क्योंकि ऐसी कोई गोली नहीं होती, होती है एक्चुअल में कि आपको फील ना हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप इन चीज़ों के साथ फाइट करिए, आप इन चीज़ों को डील करिए, भले आपको भी नींद ना आए तो नींद की गोलियाँ खाना, मतलब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको ऑफकोर्स गोलियां देंगे, दवाई देंगे, आप एकदम रिलैक्स फील करोगे, पर आपको उन चीज़ों की, ठीक है, आप ड्रग्स के आदि बन जाओगे, मतलब दवाइयों के आदि बन जाओगे, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे आपका मन, आपका शरीर मतलब कमज़ोर बनता जाएगा, इन फ्यूचर में भी ऐसी घटनाओं को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। पर जब आप इन चीज़ों के सामने फाइट करोगे, आपका मन इससे ज़्यादा ताकतवर बन गया, मतलब आपका माइंड विकसित होगा। हाँ, आपको ये बुरा लगेगा कि आप यार कैसी बात कह रहे हो कि पेन के साथ आप लड़ो, इससे आपका माइंड ज़्यादा ताकतवर बनेगा, लेकिन संघर्ष से ही इंसान महान बनता है। और आपके माइंड को ये संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान है और एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और अपने दर्द के ऊपर अपनी विजय भी पा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो ये चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।